नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पिछले काफी वक्त से ट्विटर पर बॉलीवुड के खिलाफ ट्रेंड चल रहा है। बड़े से बड़े स्टार की फिल्मों का बॉयकॉट हो रहा है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्में पिट रही हैं। लगभग हर दूसरी फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी का माहौल देखा जा रहा है। हाल ही में रिलीज हुई मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की कितनी फजीहत हुई किसी से छिपा नहीं है। 180 करोड़ के बजट से तैयार हुई फिल्म अपनी लागत भी नहीं वसूल पाई। थोड़ी बहुत इज्जत इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस ने बचा ली, नहीं तो हालात क्या होते आप समझ सकते हैं। खैर, बॉलीवुड का बहिष्कार हुआ तो आलिया, अर्जुन कपूर जैसे सितारे आगे आए, कहने लगे कि अगर फिल्में पसंद नहीं है तो मत देखिए। एक्टर्स के इन बयानों ने ऑडियंस का पारा और ज्यादा हाई कर दिया। आलिया भट्ट के इस बयान से भड़के लोगों ने साफ कह दिया कि टेंशन मत लो, अब ब्रह्मास्त्र का भी बहिष्कार करेंगे। खैर, यहां तक तो चलिए फिर भी ठीक था, लेकिन अब रणबीर कपूर का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वो बीफ को लेकर बात कर रहे हैं। साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आई एम अ बिग बीफ गाय, यानी मुझे बीफ बहुत ही ज्यादा पसंद है। रणबीर का ये वीडियो हाल फिलहाल का तो नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, इसके सामने आने के बाद लोग भड़क गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर रणबीर के खिलाफ खासा विरोध देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र में शिवा का किरदार निभाने वाले रणबीर की असलियत जान लो। इस वीडियो के सामने आने के बाद सिर्फ रणबीर ही नहीं बल्कि अब उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र का भी विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड हो रहा है। इतना ही नहीं, रणबीर के पीके वाले लुक को भी शेयर कर लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। जैसे एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, शिवा ऑफ ब्रह्मास्त्र इन रियल लाइफ, हैशटैग बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र। एक और यूजर ने रणबीर की पीके वाली फोटो शेयर करते हुए लिखा, नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र। एक यूजर ने लिखा, इकोनॉमिक बॉयकॉट इज द बेस्ट पनिशमेंट फॉर बॉलीवुड। लोगों के ट्वीट देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल होने वाला है। वैसे आपको बता दें, कुछ इसी तरह का विरोध लाल सिंह चड्ढा का भी हुआ था। फिल्म को लेकर लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी थी। नतीजा क्या हुआ सबके सामने है। अब कुछ ऐसा ही ब्रह्मास्त्र के साथ होता हुआ भी नजर आ रहा है। वैसे आलिया रणबीर फिल्म के प्रमोशन में जी जान फूंक रहे हैं, लेकिन उनके कुछ पुराने बयान और वीडियो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नेगेटिविटी का माहौल बना रहे हैं। लोगों में इसे देखते हुए खासा गुस्सा है। खैर, 9 सितंबर को फिल्म रिलीज होने जा रही है। आलिया रणबीर की इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। आप बताइए, रणबीर का बीफ को लेकर जो बयान सामने आया उसे लेकर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, ब्रह्मास्त्र हिट होगी या फ्लॉप? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।